गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली। आज मैंने व्लॉगिंग थोड़ा लेट शुरू किया, मेरा वॉकिंग ख़त्म हो चुका है और हमारी हाउस हेल्पर दीदी आ चुकी है और उनसे मैं आज सीख रही हूँ फ्रेश करेले का जूस कैसे बनाते हैं घर में। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि सुबह एम्प्टी स्टमक करेले का जूस पिया करो। दैट्स वाई आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम माई हाउस हेल्पर दीदी। सो इसके लिए एक्चुअली मैंने हाफ के जी करेले लिए हैं और उन्हें काट कर हम लोग चेक करेंगे उनमें के सीड्स कड़क है कि सॉफ्ट है। अगर बीज कड़क है तो उन्हें हमें निकाल देना है और अगर सॉफ्ट है तो हम इंक्लूडिंग सीड्स मिक्सी में पीस लेंगे। और जो हमने करेले लाए थे उसमें के सीड्स बहुत कड़क थे, इसके लिए हाउस हेल्पर दीदी उनमें से वो सारे सीड्स निकाल रही है। सारे सीड्स निकाल के हो गए हैं। अभी दीदी सारे करेले के पीसेस को मिक्सी में डाल रही हैं। गाइस, उन्हें ज़्यादा पतला या बारीक भी काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मोटा मोटा काट के भी हम लोग मिक्सी में डाल सकते हैं। और अभी इसके बाद इसे हम मिक्सी में पीसेंगे और मिक्सी में पीसने के बाद हम लोग चेक करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और पीसते जाएंगे ताकि वो फाइन प्यूरे बन जाए। सी गाइस, पानी मिला के जब भी हम लोग करेले को पीसेंगे तो वो जूस ऐसे बन जाता है, बहुत थिक बनता है वो और उसमें पल्प भी इंक्लूडेड होता है। इसके लिए हम लोग एक छन्नी की सहायता से वो जो जूस है उसको एक एक पतीले में छान लेंगे और ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक सारा जूस रिलीज ना हो। अभी दीदी भी वही कर रही है, धीरे धीरे एक चम्मच की सहायता से पल्प को प्रेस कर रही है ताकि सारा जूस रिलीज हो जाए। ओके गाइस, अभी सारा जूस रिलीज हो चुका है और जो पल्प बचा है छन्नी में उसे हम फिर से एक बार मिक्सी में पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे। सी गाइस, फिर से एक बार मिक्सी में पीस के हो चुका है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक और हाफ नींबू का रस मिक्स करेंगे जिससे इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए ताकि वो पीने में आसानी हो जूस। ओके गाइस, ये पानी डाल के जूस निचोड़ने का प्रोसेस हम लोग तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक पूरा जूस रिलीज हो जाए और जो ऊपर सिर्फ उसका ड्राई पल्प ही रह जाए। सी गाइस, करेले का जूस रेडी है और ये जो जूस है वो बहुत ठीक बना है और इसे आप एक डब्बे में डाल के या एक बोतल में डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 2-3 दिन के लिए। और जब भी आप उसे कंज्यूम करोगे तभी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप उसे रोज़ एम्प्टी स्टमक सुबह पी सकते हो। आई नो गाइज, इट्स वेरी बिटर बट डोंट फर्गेट दैट इट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर योर हेल्थ। डू ड्रिंक इट टू मेंटेन योर शुगर लेवल इफ़ यू आर डायबिटिक। और गाइज, आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू था पोहा एज यूजुअल। ओके गाइज, अब मैं करने जा रही हूँ घर की डस्टिंग, स्पेशली लिविंग रूम की। रोज़ तो नहीं हो पाती बट 2-3 दिन में एक बार मैं कर लेती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। Thank you.
ओके गाइज, नाउ आई एम डन विथ डस्टिंग और मैं हमारे लिविंग रूम का एक छोटा सा टूर आपको दे देती हूँ इस व्लॉग में। क्लीन घर कितना अच्छा लगता है, बट आई नो एक्चुअली ऐसा हम लोग नहीं रख सकते जो भी बच्चे घर पे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही। आई लव इट, दिल को बड़ा सुकून मिलता है ऐसा क्लीन घर देख के। यह है आज का लंच, पराठा, टमाटर और पालक पनीर। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ पे चाय बन रही है। आज मेरे हस्बैंड को, आई मीन सुधीर को छुट्टी है, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों के लिए दूध गर्म करने रखा है। ओके गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माई ब्लॉग्स। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।